अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की चुनावी भविष्यवाणी यकीनन सही साबित हुई और ऐसी प्रचंड जीत पंजाब में हासिल की आम आदमी पार्टी ने, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पंजाब में आपको जितना मान सम्मान मिला है उसके पीछे भगवंत मान है। केजरीवाल ने पंजाब में सीएम उम्मीदवार के तौर पर भगवंत मान को चुना। जानकारों की माने तो जीत की तरफ आपने पहला कदम उसी दिन बढ़ा दिया था। तो बाद पंजाब पिंडा चो चलूगा, वार्डा चो चलूगा, मोहल्लिया चो चलूगा। ये जीत भगवंत मान की है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव लड़ा है और भगवंत मान भी केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के लिए 24 कैरेट गोल्ड की तरह से खरे साबित हुए हैं। पहला पंजाब मोती महिला चो चलदा सी, सिसमा वाले महिला चो चलदा सी, बड़े बड़े दरवाजे, बहुत उच्चिया उच्चिया कंधा वाले घर चो चलदा सी, पर अज तो बाद पंजाब पिंडा चो चलूगा, वार्डा चो चलूगा, मोहल्लिया चो चलूगा। पंजाब की धुरी सीट से भगवंत मान ने 45,000 वोटों से जीत दर्ज की है। सियासत की समझ रखने वाले लोगों को मानना है कि अगर 2017 के विधानसभा चुनाव में भगवंत मान को सीएम फेस घोषित कर दिया जाता तो आज राजनीति के कुछ अलग मायने होते। कॉमेडी करने वाले भगवंत मान कभी जुगनू कैरेक्टर से राजनीति पर खूब व्यंग करते थे, बाद में उनका रुझान राजनीति में हो गया। हालांकि मान अपना पहला ही विधानसभा चुनाव हार गए थे। मान ने 2014 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया। तब उन्होंने संगरूर संसदीय सीट से अकाली दल के दिग्गज नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को 2,00,000 वोट से हरा दिया था। 2019 में वो दोबारा सांसद चुने गए। इस बार आम आदमी पार्टी ने पहले वाली गलती नहीं की, समय रहते भगवंत मान को सीएम फेस घोषित कर दिया। अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे। भगवंत मान को धुरी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। भगवंत मान के सामने कांग्रेस के दलबीर सिंह गोल्डी, बीजेपी के रणदीप सिंह, अकाली दल ने प्रकाश चंद गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भगवंत मान के सामने सबके सब धराशायी हो गए। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भगवंत मान जी को जब सामने किया गया तो आपने देखा होगा जबरदस्त उत्साह पंजाब के लोगों में दिखा। 8 साल की भगवंत मान की जो ईमानदारी की राजनीति एक सांसद के तौर पर रही है उस पर लोगों ने अपना प्यार और समर्थन दिया। कार्यकर्ताओं का 5 साल पिछले चुनाव के बाद लगातार मेहनत रही, विधायकों की मेहनत रही, सारी लीडरशिप ने वहां पर काम किया, केजरीवाल जी ने रैलियां सभाएं कार्यक्रम वहां लगातार जाके किया। पंजाब के मतदाता आम आदमी पार्टी से ज्यादा भगवंत मान को पसंद कर रहे थे। वो मान को बदलाव का प्रतीक मानते हैं। उनका मानना है कि पंजाब की राजनीति में अगर कोई बदलाव लाएगा तो वो है भगवंत मान। संगरूर से कमलजीत सिंह संधू और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो सीएम फेस के ऐलान के बाद कहीं उत्साह था तो कहीं सवाल, लेकिन आपका मान पंजाब में बढ़ाया भगवंत मान ने और आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उससे जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आज तक पर आपको दिखाएंगे।